की तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपसे लिखित परीक्षा का पैसा विश्वविद्यालय आपसे लेता है, लेकिन आपसे क्या कराया जा रहा है? OMR सीट जो सस्ते में हो जाता है एग्जाम, इसकी आवाज को उठाने के लिए किसको आगे आना पड़ेगा? छात्रों को होकर हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा और आवाज उठनी होगी। सभी पूर्व में भी हमने एक ज्ञापन के माध्यम से राजा महेंद्र प्रताप सिंह कुलपति को हमने ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी प्रमुख मांगें थी कि जो पुराना सस्त जिस तरीके से चल रहा था, जिस तरीके का पैटर्न था परीक्षा का, उसी तरीके का पैटर्न हो। 75 में से पहले 50 क्वेश्चन करने होते थे, लेकिन महेंद्र प्रताप जो कुलपति हैं वो अपना तानाशाही रवैया दिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी मनमानी तरीके से 75 में से 75 क्वेश्चन करना अनिवार्य कर दिया, जो कि पूर्ण तरीके से छात्रों के विरोध में है, छात्रों के खिलाफ है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है पूर्ण तरीके से। हमने पहले एक ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया था 15 दिन पहले, जिन्होंने हमें 4 दिन का टाइम दिया था, लेकिन उसके विपरीत उसके उपरांत भी कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो अपने तानाशाही रवैये पे अड़े पड़े हैं, उसी के विरोध में आज हमने कुलपति का पुतला दहन धर्म समाज महाविद्यालय के गेट पर किया है। और हमारी प्रमुख मांग यही है कि 75 में से 50 क्वेश्चन करने हों। अगर इस तानाशाही रवैये को चेंज नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद आने वाले अगले 2-4 दिनों में ऐसे ही बड़े आंदोलन अनिश्चितकालीन धरने करेगी, जो कि पूर्ण तरीके से कुलपति के खिलाफ होंगे। हमारी प्रमुख मांग यही है, या तो 75 में से 50 क्वेश्चन कर दिए जाएं, नहीं तो हम एग्जामों का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे। हम किसी की भी नहीं सुनेंगे पूर्ण तरीके से। 4 दिन बाद हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, हमने 4 दिन का टाइम दिया है उन्हें। अगर 4 दिन के बाद अगर कोई भी अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम धर्म समाज महाविद्यालय और बासनी महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं धर्म समाज महाविद्यालय के गेट पर गेट बंद करके अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने तानाशाही रवैये के अनुरूप में एक छात्र विरोधी फैसला लिया, जिसमें अब तक जो चार सेमेस्टर अब तक विश्वविद्यालय करा चुका है, जिसमें 75 में से 50 क्वेश्चन करने के लिए छात्रों को दिए जाते थे, लेकिन इस बार एक बिना परीक्षा कमेटी की मीटिंग, बिना छात्रों की सुने हुए एक तानाशाही एक रवैये के अपनाते हुए एक फैसला ले लिया, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया है कि 75 में से 75 क्वेश्चन इस बार 5th सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंटों को करने होंगे, जो कि एक छात्र विरोधी फैसला है, जिसके लिए ABP ने पहले हफ्ते भर पहले एक ज्ञापन के माध्यम से विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया था कि ये फैसला एक छात्र विरोधी फैसला है, इसको तत्काल रूप से वापस लिया जाए। उसके बाद भी कोई परीक्षा समिति की बैठक ना होकर कोई निर्णय नहीं लिया गया, ना ही फैसला वापस लिया गया। आज छात्र यहाँ पर उस फैसले के विरोध में आज इकट्ठे हुए हैं, धर्म समाज महाविद्यालय पर ये पुतला दहन करके अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इस फैसले के कारण छात्रों को असुविधाएं आगे को देखने को मिलेंगी, जैसे कि विश्वविद्यालय द्वारा ये 75 में 75 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फेल होगा, फेल होने के बाद री भरेगा, री का जो सारा पैसा है वो विश्वविद्यालय के लिए जाएगा। विश्वविद्यालय चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो और कॉलेज विश्वविद्यालय के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। अब आपके TV पर भी, अपने स्मार्ट TV पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।